राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमें कोई मार्ग दिखाई न दे तो हमें भगवत गीता के इस ज्ञान को सीखना चाहिए। भगवत गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण ने ध्यान का योग शीर्षक से आत्म साक्षात्कार के अंतिम प्रवेश द्वार के रूप में ध्यान को स्पष्ट किया गया है। ध्यान केवल अपनी आंखें बंद करके मंत्र या शब्द प्रतीक को दोहराने से कहीं अधिक है, जिसका योग अभ्यासियों द्वारा लगन और निष्ठा से अभ्यास किया जाना चाहिए। ध्यान के लिए आवश्यक शर्त एक शांत मन है, इच्छाओं और आसक्तियों से बोझिल मन एकाग्रता और ध्यान के सूक्ष्म क्षेत्रों में जाने में असमर्थ होता है। कृष्ण सन्यासी की परिभाषा शुरू से करते हैं। सन्यास का अर्थ है हार मान लेना, अपने कर्तव्यों का परित्याग कर देना और सुरक्षित शरण स्थल की ओर भाग जाना। यह वह गलतफहमी है जिसने सच्चे साधकों को दूर कर दिया है और उन्हें त्याग के लाभों तक पहुँचने से रोक दिया है। कृष्ण सन्यासी का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में करते हैं, जो वह करता है उसे करना चाहिए, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा करता है, बिना कर्म के फल पर निर्भर हुए। सन्यासी वह नहीं है जिसके पास उच्च आदर्श नहीं है, न ही वह निष्क्रिय व्यक्ति है। उसके बाद कृष्ण आध्यात्मिक विकास की 3 चरणों का एक शानदार वर्णन करते हैं। एक सक्रिय योगी से एक ध्यानी सन्यासी और अंत में एक ज्ञानी प्रभुत व्यक्ति की उच्च अवस्था तक, व्यवहारिक दिखावे के बजाय मानसिक अवस्थाओं के संदर्भ में 3 चरणों का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण आध्यात्मिक होने के लिए किसी को गेरवे वस्त्र पहनने या अनुष्ठान करने या खुद को सांसारिक सुखों से वंचित करने की आवश्यकता नहीं है, बस जरूरत है मानसिकता। कदम कदम पर कृष्ण हमें ध्यान के लिए प्रारंभिक अनुशासन और अयोग्यता से परिचित कराते हैं। इसके बाद आत्मज्ञान की अपेक्षा होती है। एक आत्म साक्षात्कारी आत्मा वह है जो सभी के साथ एकता महसूस करता है। वह अपने आप को सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में देखता है। अंत में वह मंदिर, चर्च या मस्जिद में नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी में भगवान की पूजा करता है। उसके बाद वह आत्मा में रहता है, चाहे उसकी जीवन शैली कुछ भी हो। जब आप हर जगह उनकी छवियों से जुड़ नहीं सकते तो भगवान के लिए प्यार का इजहार करना व्यर्थ है। अर्जुन हमारी तरह अनंत के अज्ञात क्षेत्र की खोज के लिए वर्तमान अस्तित्व की सुरक्षित सीमाओं को छोड़ने से डरता है। वह कृष्ण से पूछता है कि उन लोगों का क्या भाग्य है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए खुद को समर्पित करते हैं लेकिन बोध प्राप्त करने से पहले मर जाते हैं। कृष्ण जीवन के सबसे व्यवहारिक नियमों में से एक को प्रकट करने के लिए एक उपयुक्त उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धर्मी है वह कभी दुख में नहीं आएगा, न तो अभी और न ही भविष्य में। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, आप अपने भविष्य के जीवन में इसका श्रेय ले जाएंगे। एक आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति जो बोध से चूक जाता है, वह या तो सुखी और धनी के घर में पैदा होगा या बुद्धिमान योगी के परिवार में। वहाँ पिछले जन्मों में अर्जित ज्ञान से संपन्न वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए और भी अधिक प्रयास करेगा। इस प्रकार भगवान अर्जुन को तथा हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि स्थायी सुख का मार्ग सत्य का जीवन है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, त्याग का अर्थ कर्म का त्याग करना नहीं है। त्याग का अर्थ है उन बाधाओं का त्याग करना जो उत्तम कर्म के मार्ग में आती हैं। कर्म का मार्ग सक्रिय लोगों के लिए है और त्याग का मार्ग चिंतनशील लोगों के लिए है। खुद को खुद ही छुड़ाओ, कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भौतिक या आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवन की गतिविधियों का संयम और नियमन आवश्यक है। जब मन बिखरा हुआ होता है तो उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। एकत्रित मन में शक्ति होती है, वह शांत और प्रभावशाली होता है। बुद्धि विकसित होने पर उच्च भेदक क्षमता रखती है, वह सहज उत्कृष्टता को सक्षम बनाती है और आपको आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है। योग दुख से एकाकार होने का नाम है। दुख से इस एकाकारता को तोड़ दो, फिर तुम अपने भीतर खुशी पाओगे। सभी इच्छाएं कल्पना से पैदा होती हैं। आध्यात्मिक विकास की कसौटी यह है कि आप दूसरों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणियों को देख सकें।
भलाई करने वाले को कभी दुख नहीं होता, स्वार्थी लोग नष्ट हो जाते हैं। श्री राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।